हे गाइज वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। और गाइज आज की स्टूडियो के अंदर जो हम MIUI 13.5 की जो लिस्ट आने वाली है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जहाँ का यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि यार इंडिया के अंदर तो फिलहाल MIUI 13 अभी जो है कुछ डिवाइसेस के लिए मिलना स्टार्ट हो चुका है और उनमें से यार काफ़ी डिवाइसेस को मिल भी चुका है। यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि MIUI 13.5 भी यहाँ पर आने वाला है क्योंकि गाइज MIUI 12 आया देन MIUI 12.5 आया, तो यार आप लोगों को MIUI 13.5 भी यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो यार यहाँ पर जो उसकी जो एलिजिबल डिवाइस लिस्ट आ चुके हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को मतलब बताने वाला हूँ कि इसके साथ जो कौन से डिवाइसेज जो है सपोर्ट देखने को मिल जाता है, कौन से डिवाइसेज को जो है आप लोगों को MIUI 13.5 का अपडेट देखने को नहीं मिलने वाला। उससे पहले गाइज मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल को अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो यार यहाँ पर जो ज्वाइन कर दीजिएगा, बिकॉज यार यहाँ पर सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो बनाने से पहले शेयर करता रहता हूँ। और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसे ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, जिससे कि आप लोगों से कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। तो गाइज चलो मैं फटाफट से आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूं, तो यहाँ पर देख सकते हैं MIUI 13.5 एलिजिबल डिवाइस लिस्ट एंड यहाँ पर जो डिवाइसेस जो आए हैं उसकी जो यहाँ पर लिस्ट आई है। तो यार पूरा क्रेडिट Xiaomi UI टीम को जाता है क्योंकि यार उनके तरफ से ही यहाँ पर जो सब कुछ जो प्रोवाइड किया है जो कुछ भी यहाँ पर लिस्ट आई है। तो यहाँ पर देख सकते MIUI 13.5 लिखा है और नीचे आप लोग जैसे आओगे तो यहाँ पर देख सकते MIUI 13.5 इन एलिजिबल डिवाइस लिस्ट, यानी कि यहाँ पर जो ये डिवाइस मेंशन की है इन डिवाइसेस को जो है MIUI 13.5 का अपडेट जो है देखने को नहीं मिलने वाला। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को इंडिया के भी कुछ डिवाइसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि Redmi K20, K20 Pro वगैरह देखने को मिल जाता है, Redmi Note 8, Note 8T, Note 8 Pro, Redmi 9A, 9A T, 9i, 9C, Poco C3, Poco C31। तो यहाँ पर जो इतने डिवाइसेस है इनको जो आप लोगों को MIUI 13.5 का अपडेट जो इंडिया के अंदर हो या फिर कहीं भी हो यही जो डिवाइसेस देखने को मिल जाते हैं। तो यार आप लोगों को ये अपडेट देखने को नहीं मिलेगा MIUI 13.5 इन डिवाइसेस के लिए। बाकी यार यहाँ पर जो MIUI 13.5 की एलिजिबल डिवाइस लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं जो अब जो यार पूरी लिस्ट पढ़ने बैठूंगा तो यार वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। मैं शॉर्टली यहाँ पर आप लोगों को बता दूं तो यार आप लोगों को इसकी जो डिवाइस की लिस्ट की मतलब जो भी मैं सोर्स यहाँ पर लिंक है उसकी जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां से आप जो इसे चेकआउट कर सकते हैं, आप अपने डिवाइस का नाम पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो Xiaomi की कुछ सीरीज देखने को चलती है जैसे कि Mi 11 सीरीज है, यहाँ पर जो है Mi 10 सीरीज है, तो यार यहाँ पर जो Xiaomi की 12 सीरीज है उसको भी यहाँ पर फिलहाल जो ऐड कर दिया है। वैसे जो ये इंडिया के अंदर अभी तक नहीं आई लेकिन यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि Mi 11X, Mi 11i वगैरह, Mi 11 अल्ट्रा वगैरह, वो सब कुछ जो देखने को मिल जाती है, Mi 10T, Mi 10T अल्ट्रा वगैरह जो है वो सब कुछ जो डिवाइसेस यहाँ पर ऐड किए गए हैं। बाकी यहाँ पर जो रेडमी की कुछ सीरीज की बात करें तो यहाँ पर रेडमी नोट 11 सीरीज भी देखने को मिल जाती है, रेडमी नोट 9 सीरीज की बात करें तो यार रेडमी नोट 9 प्रो 5G सिर्फ यहाँ पर ऐड किया गया है, बाकी यहाँ पर कोई भी रेडमी नोट 9 प्रो या फिर रेडमी नोट 9 ऐसा कोई भी यहाँ पर डिवाइस मेंशन नहीं है। रेडमी नोट 8 2021 भी यहाँ पर ऐड किया गया है जो कि यार रेडमी नोट 8 पुराना वाला नहीं है, आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ। यहाँ पर रेडमी 10 की सीरीज की बात करें तो रेडमी 10A, 10C, रेडमी नोट 10 प्रो वगैरह वो जो सब कुछ जो डिवाइसेस यहाँ पर देखने को मिल जाती है, तो यार रेडमी नोट 10 सीरीज पूरी की पूरी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर पोको डिवाइसेस की बात करें तो यार पोको M4 प्रो 5G 4G वगैरह देखने को मिल जाता है, पोको X4 प्रो 4G देखने को मिल जाता है, पोको M4 देखने को मिल जाता है, पोको F3 GT वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ जो यार यहाँ पर जो डिवाइसेस ऐड किए गए हैं जिनको जो यार MIUI 13.5 का अपडेट जो है देखने को मिलने वाला है। अब जो गाइस यहाँ पर आपके डिवाइसेस का नाम अगर इसमें मेंशन नहीं है या फिर आप लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना, ये जो लिस्ट अपडेटेड होके भी फिर से आ सकती है, तो यहाँ पर आप लोगों को वेट करना है। बाकी मैं इसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इसलिए मैं बोलता हूँ भाई कि यार टेलीग्राम चैनल को आप लोगों को भाई ज्वाइन करके रख लेना है क्योंकि यहाँ पर मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। अगर यार थोड़ी सी डिवाइस लिस्ट अपडेट हो जाती है तो मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगा, तो यहाँ पर भी आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो दैट्स इट गाइज, आई होप आप लोगों को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पसंद आएगी। पसंद आती है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टिल then and bye bye।